टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ जिले की बल्दीगढ़ जनपद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह की बहू उज्ज्वला सिंह बनी अध्यक्ष। 3 दिन पहले ही उनके पति पर दर्ज हुआ था अपहरण का मामला। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत बल्दीगढ़ में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यहाँ अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा व कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला था। भाजपा के खरगपुर विधायक राहुल लोधी ने यहां जयश्री यादव को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला की बहू उज्ज्वला सिंह बुंदेला अध्यक्ष पद की दावेदार थी। उज्ज्वला सिंह को 15 और जयश्री यादव को 10 वोट मिले हैं। जनपद पंचायत बल्देवगढ़ में भाजपा का कब्जा था। यहाँ भाजपा की गुलाब रानी किलेदार जनपद अध्यक्ष थी। यहाँ भाजपा विधायक व पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी ने जयश्री यादव को अध्यक्ष बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की। 3 दिन पहले बल्दीगढ़ थाना पुलिस ने कांग्रेस की अध्यक्ष प्रत्याशी उज्ज्वला सिंह के पति रविंद्र सिंह बुंदेला के खिलाफ अपहरण की धारा 365 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद लग रहा था कि जैसे मानो भाजपा का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वला सिंह ने 5 वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां सीट भाजपा से छीनने में कामयाब रही। तो वही चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। टीकमगढ़ से जिला संवाददाता यशोवर्धन सिंह की खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में जो अनैतिक अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से जो पिछले 2 सालों से जनता के साथ, व्यापारी के साथ छलावा हो रहा था, एक सुर में होके सभी वर्ग के छोटे से बड़े लोगों ने इस बात का जवाब अपने अपने वोट से की लाठी से दिया है। और आगे 2023 को आने वाले चुनाव में जनता टीकमगढ़ जिले से बीजेपी का सफाया जो दुर्गेश यादव को बार बार धमकी दी जा रही थी, इसके बारे में ये आपका क्या संदेश? दुर्गेश यादव को जो बार बार हटा जनपद सदस्य के लिए, दुर्गेश यादव के लिए जो बार बार धमकी दी जा रही थी, दुर्गेश यादव को धमकी दी जा रही थी, जितारा जनपद में भी 2 निर्वाचित सदस्यों को धमकियां दी गई, मलेरा जनपद में भी धमकियां दी गई, जिनकी शिकायत की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता रविंद्र सिंह बुंदेला के खिलाफ झूठी शिकायत करके जो 363-366 का अपहरण का मुकदमा कायम किया है, ये दोनों दोहरी नीति है प्रशासन की। ये दोहरी नीति है कि एक तरफ सही घटना की जांच, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और दूसरा जो जिस घटना में कोई सत्यता नहीं है, पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो काम ने किया है प्रशासन ने मिलीभगत से, जनता ने आज उसका पूरा जवाब दे दिया है। आगे न्यायालय है, न्यायालय से न्याय मिलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.